दादा जो हिंदी में बोलूं जी सर, इसका जो विजन था इसका कि ये 25 साल 25th ईयर ऑफ इंडिया से इंडिपेंडेंस, 25 साल की जो इंडिपेंडेंस थी उसकी सेलिब्रेशन में था। अच्छा, मतलब जेल से निकल, हाँ, कि भाई 25 साल हमने, तो जिस बिल्डिंग का मतलब था कि इसको सिंबलाइज भी करें, तो इस करके किया कि सबसे ज़्यादा इसका स्पैन हो बड़ा, कि हम लोग कर सकते हैं, चाहे ओटी डालें, चाहे अनस्किल लेबर हो, फिर भी हम लोग, एक तरफ हमारे पास कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी वगैरह है, दूसरी तरफ मैसिव लेबर पावर। मेरा सबसे पहला विजन जो ख्याल था कि अब जो ये एग्जीबिशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो ऐसा हो कि इसको सिंबॉलिक वैल्यू भी हो, और ये भी दिखाएं सारी दुनिया में कि सबसे बड़े स्पैन का स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं इंडिया में, और अपने तरीके से कर सकते हैं, खास तरीके से कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि इसको करें कि स्टील एंड ग्लास कहीं के और कॉपी करके, या किसी तरह से जैसे चाइना में करते हैं कहीं और, हमने अपने तरीके से इसको सिंपल कंक्रीट में कंक्रीट पोर करके, इतना सिंपल नहीं था, उसको डिज़ाइन करना बड़ा मुश्किल था, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो डिज़ाइन हैं वो हमने सारे लिए कि इनको कैसे बनाया जाएगा, इसको सोच के और इसका काम शुरू किया। तो एक तरफ से तो था कि इसका ग्रैंडियर हो एंड सिम्बॉलिकली एंड फंक्शनली, इसका मतलब था सब तरह की चीज़ें दिखा सकें, ट्रैक्टर भी हो चाहे किताब भी हो, तो इसमें जो वाइड वैरायटी की जो फंक्शन हो वो सब को दिखा सकते हैं। अच्छा, इसका जो जाली का था कि भाई इसकी जो परफोरेशन है, इससे बारिश नहीं अंदर आ सकती और धूप भी नहीं आ सकती, बट एयर फ्लो कर सकते हैं खुलना चाहें, तो उस ज़माने में एयर कंडीशनिंग बिल्कुल भी नहीं थी, तो उसके हिसाब से इसको किया कि एयर कंडीशनिंग ना भी हो फिर भी ये तकरीबन कूल रहे, ठंडा सा रहे, हवा चलती रहे। और इसने मतलब आप देख लीजिए 45 साल हो गए, 72 में बना था, तो सबसे तो ये है। तो ये जो आप मुश्किलें बता रहे थे कि कोई लिफ्ट्स नहीं थी, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, सीमेंट का यूज़, मतलब इसमें स्टील का यूज़ नहीं हुआ, जबकि इस तरह की चीज़ों में स्टील का बहुत इस्तेमाल, तो कितनी मुश्किलें रही इस दौरान? देखिए, जो मुश्किलें थी हमने उसका फ़ायदा उठाया। एक तो होती है कि रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, तो हमने ऐसा सोचा जो हम कर सकते हैं, ठीक है, अब समझिए कि एक तरीके से हम अपने तरीके से बहुत एडवांस कर सकते हैं, कॉपी करने का एक तरीका होता है, दूसरा है कि हम अपने हिसाब से। तो इस जॉब में काम करते वक्त 1000 से ज़्यादा आदमी, औरत, बच्चे सब वहाँ पर साइट पे रह रहे थे, तो वो सब के सब रहे और उन्होंने बनाया। तो मैं अभी भी जब सोचता हूँ, मेरी जो यादगार है, मैं वहाँ 18 घंटे 16 घंटे रहता था, क्योंकि ये मैं शायद सिर्फ 36 साल का था उस समय में, तो ये था कि इसको बनाना ज़रूर है इस टाइम के अंदर। तो ये सोच के कि ये लोग बना रहे हैं, उनकी मदद रहे, कोई चीज़ जिसकी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम होती है वहीं पर सॉल्व करें, तो इस तरह से इसको किया। और मेरे साथ सिर्फ 3-4 बहुत यंग आर्किटेक्ट और स्टूडेंट टाइप के लोग थे, तो हमने सब ने मिल के इसका काम किया। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इसका हमने ये मॉडल बनाया था। हेलो, आई एम जस्ट शोइंग यू माय फर्स्ट मॉडल। ये मॉडल हमने बनाया था, तो ये मिसेस गांधी देखने के लिए आए और उनके साथ 2-4 लोग थे, कि ये उस वक्त तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि दिखेगा कैसे, तो ऊपर से दिख रहा है। तो उसके लिए अगले दिन या 2 दिन में दिन रात रह के ये पर्सपेक्टिव बनवाए। सो आप ये देख लीजिए कि सबसे ये जो है कि ये अंदर से कैसा नज़र आएगा। सो अगर आप अभी भी जाएँ एग्जीबिशन हॉल में, तकरीबन ऐसा ही है जो इसकी जो अंदर से है। तो ये दोनों रात भर बैठ के मैं और जितनी आर्टिस्ट के साथ, आर्टिस्ट के साथ मिल के हमने बनाए, और ये दोनों इस वक्त कंप्यूटर म्यूजियम में, पहली दफ़ा एक परमानेंट एग्जीबिशन हुई जिसमें कि इंडियन आर्किटेक्ट का काम होता है 2 साल तक, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई हम लोग तो एक तरह से तो हम विनती कर सकते हैं, क्योंकि जो हेरिटेज कमेटी है
जिसका ये काम है कि इन चीज़ों को प्रिजर्व करें, वो मिली नहीं कई साल से, तो कई काफ़ी देर से। तो हमारी ये है कि कोर्ट्स में जब गए थे, उन्होंने कहा कि हेरिटेज कमेटी का काम है, ये हमारा नहीं है। इसी तरह से दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन का ये काम है कि वो देखें कि इसको किन चीज़ों को प्रिजर्व वगैरह करें। तो ये उसके लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो सबके सब, अब आप प्रेस में, न्यूज़पेपर में, कॉमर्स मिनिस्टर को लेटर भी लिखा है, हमने लेटर लिखे हैं। और मैंने नहीं लिखा, सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, उन दोनों ने सब ने लिखा है कि ये इन चीज़ों को, ये बड़ी ज़रूरी है कि यानी ये आपकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे महेंद्र राज जी कह रहे थे कि ये मेरे बच्चे की तरह हैं, तो ज़ाहिर तौर पर आपके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर ये डिमोलिश होता है तो एक बहुत ज़्यादा दुख होगा उस वक्त आपको। आप समझ सकते हैं कि स्लीपलेस नाइट्स जिसको कहते, रात को नींद में कई दफ़ा आती है जब भी ख्याल आ जाता है कि ये चीज़, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग, उनका कहना है, मैंने पढ़ा है अखबार में, कि अभी इसका यूज़ नहीं है या कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं कि एयर कंडीशनिंग नहीं कर सकते हैं या कंक्रीट में कुछ या थोड़ी सी खराबी हो गई है, ये सब कुछ रिपेयर बड़े आराम से हो सकता है। अब जो 45 साल पुरानी बिल्डिंग होती है, थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ता है। और आजकल के ज़माने में एयर कंडीशनिंग का, जैसे अब एयरपोर्ट्स के लिए होती है, बड़े आराम से हो सकती है। सो मेरा ये कहना है कि हर एक चीज़ को रिनोवेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, एंड हम इसमें मदद करने को तैयार हैं। मैंने चिट्ठी भी लिख ली है, इसका उन्होंने उल्टा मतलब ले लिया है कि ख़राब हो गई है वगैरह वगैरह, ये बहुत गलती की है। तो एक तो ये है कि इसको बड़े आराम से जो नई कॉम्प्लेक्स उसमें एमलगमेट कर सकते हैं। यहाँ पे कई मूवी की शूटिंग्स भी हुई हैं। हाँ, मूवी की शूटिंग हुई हैं, स्टैम्प्स भी बने हैं इसके बहुत बड़े बड़े, कई मतलब इसमें लाखों लोग जा चुके हैं। हर साल जब होती है तो 2-3-4 लाख इस बिल्डिंग के थ्रू गए हुए हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि 45 साल में कितने लोग चले गए होंगे। मैं एक मिनट रुकूं, और दोस्त वो लिविंग इन बट बिल्डिंग्स ऑफ Well, considering this building has got such a huge yes, I think let's from say all over the world. Think, well, I think that's a question you should ask. I for me that's a very difficult question to answer. Yeah. But put it like that, the architectural milieu has responded very warmly and positively that this should be preserved and should be kept properly, etc. So that is, and I think the public buildings have a certain symbolic value also. You see, let's say in this case the symbolism was that what we could build, actually there is a very nice note here. This is very important to my mind. As they say, 40 children were born during its construction period, people who had no facilities and anything, but 1,000 people were living here. So this is actually a Polish translated basket without buildings and this and that. So that's a sort of a very important point to make, that it is a building which is represents India at one time more than anything else, you know, 25th years of India's independence. So it's poured concrete on it, you know, and that is being what is celebrated all over the world, because they have made this kind of buildings in steel and glass, but we've done it with very simple means, very minimal. That's right. Yeah. And this is the let's say the inspiration, the traditional jali, etc. So this perforation, so the wind goes through and it cuts down the sun and glare. These are the interpretations.